तो कहीं ना कहीं उस समय आपके मन में स्वर्णों के प्रति कहीं ना कहीं कोई भावना होगी आपने जो टिकट दिया था उसमें चार, चार मैंने तीन जीत करके आए तो मेरा कहना कि इस फार्मूला में कहीं ना कहीं भूल चुक हुई होगी पार्टी से जिला के अंदर अगर ठीक से मुआइना करके टिकट का बंटवारा किया गया होता तो मैं समझता हूँ कि और दो सीट बढ़ते नमस्कार द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है देखिए जहाँ एक तरफ राजद ये दावा करती है कि उसके जितने भी प्रत्याशी हैं वो क्षेत्र में काम करने वाले हैं जो भी विधायक जीते हैं वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं क्षेत्र की जनता से मिल रहे हैं लेकिन आरजेडी का ये भी दावा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए ये भी एक बड़ा सवाल है आरजेडी जो ये दावा करती है कि तेजस्वी यादव को भाजपा ने हरा दिया या जदयू ने हरा दिया ये भी एक बात है लेकिन बात ये भी है कि आर क्या खुद ब खुद अपनी गलती से हारी है ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि आर ने अपने ही नेताओं को साइड करके किसी दूसरे को टिकट देकर विधायक बनवाया और वो व्यक्ति न क्षेत्र में जाता जाता है न क्षेत्र की जनता से मिलता है और ऐसे में क्षेत्र की जनता के अंदर ये आक्रोश रहता है और कहीं ना कहीं आर को इसका असर भी दिखता है कभी कभी हार का सामना भी करना पड़ता है आरजेडी के कदावर नेता हैं देव कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं आपने आरजेडी का झंडा बहुत दिन से आप ढो रहे हैं बहुत, बहुत दिन से ढो रहे हैं लेकिन आरजेडी ने आपको टिकट नहीं दिया यहाँ से श्रीकांत यादव को दे दिया जो कि श्रीकांत यादव यहाँ रहते भी नहीं हैं क्षेत्र में आते भी नहीं हैं एकमा विधानसभा में मैं आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का बहुत फैन रहा हूँ और आज भी उनका मैं इज्जत बहुत करता हूँ और मैं कई बार उनसे मिलने रांची के रिम्स अस्पताल में जा के मिला उनसे मेरी बात भी हुई पिछली बार दो के भी लोकसभा चुनाव के समय मैंने उनसे कहा था कि मुझे महाराजगंज लोकसभा का काफ़ी अनुभव है और मेरे नेतृत्व में दो चुनाव हुए 2009 में मैं शंकर बाबू यहाँ से एमपी हुए मेरे ही कलम से और मेरे ही काबिलियत का वो रिजल्ट आया था वो व्यक्ति पंद्रह डेग भी पैदल चलने वाले नहीं थे और शेरे बिहार प्रभुनाथ बाबू जदयू के उम्मीदवार थे और भाजपा का समर्थन भी था और बिहार में उनकी तुति बोलती थी तो 2009 में नौ शंकर बाबू से प्रभुनाथ बाबू चुनाव हारे उसमें मेरा बहुत योगदान था फिर जब प्रभुनाथ बाबू जदयू छोड़कर के आरजेडी में शामिल हो गए तब तक स्वर्गवास हो गया उमाशंकर बाबू एमपी का तो 2013 में बाई इलेक्शन हुआ फिर परभुनाथ बाबू मैं अपने चुनाव का नेतृत्व जबकि उनका चुनाव का संचालन एक प्रोफेसर थे बाढ़ कॉलेज के उनका नाम था साधुशरण सिंह सुमन तो उनको नहीं दे करके उन्होंने मुझे अपनी जिम्मेवारी दिया कि इलेक्शन आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा मैंने कहा कि आखिर क्यों वो तो बार बार आपके चुनाव प्रभारी रहा करते थे उनको काफ़ी अनुभव है उन्होंने कहा कि नहीं वो सब ठीक है लेकिन आपको इस चुनाव को देखना होगा और मैं मजबूती से फिर कमान संभाला और जितना हमसे बन सका मेहनत ऑफिशियली नॉन ऑफिशियल सब कुछ मैंने किया और जिस समय लोकसभा 2013 का चुनाव चल रहा था उस समय बिहार के अंदर आर की के मात्र बाईस एम एल ए थे और फिर जब प्रभुनाथ बाबू जीते तो बिहार के सारे लीडर आर के जितने लीडर थे वर्तमान के थे या भूत भूतपूर्व जो एम एल एम पी एम एम एल सी जितने लोग सारे के सारे लोगों ने यहाँ कैंप किया था रामचंद्र पूर्वे जी को लोग कैंप कराए थे उनको भी मैं कैठो प्रेस कॉन्फ्रेंस छपरा में करवाया और स्वयं लालू यादव तीन दिन तक रोड शो किए रिजल्ट यह हुआ कि बाई इलेक्शन में एक लाख संतावन हज़ार समथिंग वोट से आदरणीय बड़े भाई श्री परभुनाथ सिंह जी चुनाव जीते तो आरजेडी के लोगों के मन में मनोबल बहुत ऊंचा हुआ और वो लोग कहे कि अब हम हम लोग इसमें काम करेंगे तो हम लोगों की मने पार्टी और मजबूत होगी और काम भी करने लगे मेरा कहना यह है कि हम उस समय से भी लगे थे मैं लालू जी से बात भी किया था वो बोले कि हम आगे आपको करेंगे देखेंगे विधानसभा हम आपको लड़ाएंगे लोकसभा तो हम मैंने प्रभुनाथ भाई के बेटा को लड़ा रहे हैं दो हज़ार उन्नीस की बात करते लेकिन जब चुनाव का की बारी आई तो इस जिला के आर के सारे कदार लोग मेरे पक्ष में उनसे बात करने के लिए रांची कई बार गए और उन्होंने कोई मैंने स्पष्ट बात बोला नहीं और किसी न किसी माध्यम से ये पता चला कि वही कलकत्ता का कोई व्यक्ति है जिसको वो लड़ाना चाहते हैं जिसका यहाँ पर कोई परिचय नहीं था कोई बात नहीं थी न पॉलिटिकल मैंने एक्टिविटीज़ था न पाँच गो लोग उसको जाने वाले थे लेकिन पता नहीं क्यों जबकि सर्वे रिपोर्ट में एक नंबर में मेरा नाम था तेजस्वी जी मुझे ही चाहते थे उन्होंने एक दिन श्रीकांत यादव को कार्यालय से बाहर भी करवा दिया था और हुआ कि नहीं देव कुमार सिंह को लड़ाया जाएगा ये राजपूत दाहौल क्षेत्र भी है और मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं हूँ पार्टी का झंडा ढोता हूँ आज भी मेरे दोनों गाड़ी में आर जे डी का झंडा लगा हुआ है मेरे घर पर भी आर जे डी का झंडा लगा रहता है तो पता नहीं अब क्यों हमको नहीं तेजस्वी यादव कहते हैं कि आरजेडी को स्वर्णों की पार्टी बना रहे हैं दूसरी तरफ अपने विधानसभा में यादव को टिकट देते हैं उसको विधायक बनाते हैं एक ऐसा यादव जो कि कोलकाता में आपने बताया कि बिजनेस करते हैं और यहाँ से आकर चुनाव लड़ते हैं आप लोगों का जो क्षेत्र है जो आपने काम किया एकमा विधानसभा में जिसकी वजह से वो विधायक बन जाते हैं और आपको आरजेडी साइड कर देती है तो कैसे स्वर्णों को जोड़ के रख रही है जब एक स्वर्ण को टिकट ही नहीं दे रही ऐसा है कि यह तो उन बड़े राजनेताओं का विषय बनता है कि किस तरह से वो बोलते हैं किस तरह से करते हैं किस तरह सोचते हैं हमें तो यही लगा कि जब 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो पूरे देश के अंदर भले बिहार के अंदर सॉरी बिहार के अंदर मात्र चार एमपी जीते थे तो चार एमपी में तीन राजपूत समाज से आते थे और एक स्वयं आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने छपरा से जीता और महाराजगंज से स्वर्गीय उमा शंकर बाबू जी थे वैशाली से स्वर्गीय रघुवंश बाबू चुनाव जीते और बक्सर से ये जो अभी हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री जगदानंद सिंह जी चुनाव जीते तो यह तो उन लोगों को आकलन करना चाहिए कि 40 सीट आप लड़े और 40 में अगर चार रिजल्ट आया तो एक ज्यादा और तीन राजपूत जीते तो कहीं ना कहीं उस समय आपके मन में स्वर्णों के प्रति कहीं ना कहीं कोई भावना होगी आपने जो टिकट दिया था उसमें चार चार मैंने तीन जीत करके आए तो मेरा कहना कि इस फॉर्मूला में कहीं ना कहीं भूल चुक हुई होगी पार्टी से जिसके चलते मुझे टिकट से वंचित किया गया तो हम लोग फिर भी लगे लालू यादव से मेरी बात हुई थी चुनाव और काउंटिंग के बीच में लालू यादव स्वयं स्वयं हमसे बात किए थे मोबाइल पर फ़ोन से बात हुई थी उन्होंने कहा कि राजपाट आ रहा है हम आपकी व्यवस्था करेंगे मैंने कहा कि ठीक है हम लोग लगे हैं और रिज़ल्ट भी हम देंगे आपके पॉजिटिव रिजल्ट आया भी तो बल्कि मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से अपने गार्जियन समझ के लालू यादव को मैंने कहा कि सर इतना दिनों से हम आपके साथ लगे हुए हैं झंडा डोते हैं पार्टी के काम करते हैं रात दिन मेरा कोई दूसरा काम नहीं ना मुझे कोई ठेकेदारी है न कोई रंगदारी है न दवा दारू का दुकान है और हम रात दिन लोगों में लगे रहते हैं लोगों के बीच जाते हैं जो जहाँ हमको बुलाता है दिन भर हमारा यही काम है खाना खाने के बाद निकलना गाड़ी लेकर के और पाँच आदमी को लेकर के बैठाना हर एक चौक चौराहे पर अपने पार्टी की बात को रखना अपने आदरणीय लालू यादव के विषय में बात करना कि उनको जानबूझ करके प्रताड़ित किया जाता है और उसी के परिणाम से आज उनको जेल में रखा गया है तो हम बात को तो रखते ही हैं लेकिन अब अब निर्णय करना और निर्णय लेना तो माने जो हमारे सिर से नेता हैं उन्हीं के हाथ में है ना हम तो कर्ज करता है छोटे लोग हैं हम कर ही क्या सकते हैं जिला के अंदर अगर ठीक से मुआना करके टिकट का बंटवारा किया गया होता तो मैं समझता हूँ कि और दो सीट बढ़ते श्रीकांत जी से हमारा कोई वो नहीं है पहले से भी उनसे मेरी मैं परिचय हुई थी एक दो बार तो उन्होंने कहा था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है हमसे उस समय बोले थे कि चुनाव नहीं लड़ना उस समय हरिशंकर यादव एमएलए रघुनाथपुर वाले भी वहाँ बैठे थे और वरेंद्र नारायण यादव भी बैठे थे तो जब टिकट वो ले लिए तब तो मैंने मतलब आपके पीठ पर खंजर हुआ हाँ तो वो यही कहा जा जा सकता अच्छा एक एक सवाल ये भी है कि आप जहाँ पर आपका घर है विष्णुपुरा कला ये गांव है इससे जस्ट सटा हुआ जो गांव है खडरैया हो चमरैया ये जो माझी विधानसभा में पड़ता है ये एकमा विधानसभा हो गया माझी विधानसभा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं सत्येंद्र यादव माले के वहाँ से विधायक है सत्येंद्र यादव पर ये आरोप लगता है कि ठेकेदारी टेंडर रुकवाना या फिर अवैध वसूली करना यही सब उनका काम है ये क्या सही है हाँ मैं भी सुन रहा हूँ ये बात हा? जो अच्छी बात नहीं है किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगे ये अच्छी बात नहीं है मैं तो उनसे यह उम्मीद करता था कि ये वर्कर हैं और वर्कर जैसा काम करेंगे लेकिन चुनाव जीतने के बाद से उनका जो एक्टिविटीज़ है उसमें कुछ चेंज दिखाई मतलब पड़ रहा है इससे आरजेडी को नुकसान हो रहा है इससे मैंने गठबंधन को हाँ। हमारे पूरे गठबंधन को नुकसान भविष्य में हो सकता है अच्छा ऐसा, एक ऐसा मेरी मानना अच्छा एक बात बताइए अभी एम का चुनाव हो रहा है स्थानीय निकाय कोटे से चौबीस सीटों पर एम का चुनाव हो रहा है सुधांशु रंजन पांडे सारण के एम उम्मीदवार हैं आर जे के तरफ से आपने कभी बात नहीं किया कि आरजेडी का जो एमएलसी uh, का जो टिकट है वो मुझे दे दिया जाए या फिर आपको कभी फ़ोन वोन नहीं आया कि विधायक का तो नहीं दिया गया कम से कम एमएलसी तो आपको बना दिया जाए ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं देखिए यह चुनाव सबके बस का नहीं है निकाय चुनाव को आप भी जानते हैं मीडिया के लोग हैं आपको भी पता है कि यह चुनाव कैसे होता है तो उस चुनाव के लिए मैं दवा भी नहीं किया वैसे सुधांशु रंजन जी हमको दिल्ली में मिले थे जब लालू यादव से सुबह वो मिलने गए थे मैं भी मिलने गया था तो उनसे हमारी मुलाकात हुई थी वहाँ लेकिन हम इस पर कभी चर्चा नहीं करते हैं और एमएलसी बनने जो हम लड़ने फिरने वाले लोग हैं हम एम की बात क्यों करेंगे हम लड़ना ही चाहेंगे कि चाहे जब हो जैसे हो हमको हम लड़कर जीतने वाले लोग हैं हम मनोनीत वाले लोग हैं आप एक स्वर्ण हैं देव कुमार सिंह देव कुमार सिंह एक राजपूत हैं स्वर्ण है आपने सभी पार्टियों को बहुत दिनों से देख रहे हैं आप सब मतलब बीजेपी को देखा जदयू को देखा लोजपा को देखा आर को देख रहे हैं लालू यादव की विचारधारा जो है वो स्वर्णों के प्रति कैसी है और दूसरे दल के जो नेता हैं उनकी विचारधारा मतलब जो है वो स्वर्णों के प्रति कैसे मतलब क्या कैसे देख लालू यादव का विचारधारा स्वर्णों के प्रति गलत नहीं है, है। मैं शुरू से दिखाऊँ वैसे राजनीति करने के लिए वोट लेने के लिए लोग कुछ बोल देते हैं मंच पर दूसरी बात है लेकिन किसी के प्रति उनकी दुर्भावना नहीं है तो कैसे देखते हैं स्वर्णों को लालू अब लालू यादव यह देखते हैं कि भाई हम किसी एक जाति या दो जाति से हम राजनीति के शिखर पर नहीं पहुंच सकते हैं कहीं ना कहीं भूल चुक हो जाती है बोलने में लोगों को या बोल देते हैं लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो कि जिससे स्वर्ण को बहुत ज़्यादा झटका लगा हो प्रताड़ित हुए हों मैं तो समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया इसके पहले लालू यादव ने तो कभी आरक्षण दिया नहीं था तो 50 परसेंट से ज़्यादा लोग पंचायत चुनाव में जीत करके आते थे स्वर्ण क्लास के लोग नीतीश कुमार जी एकल पद का भी आरक्षण कर दिए जैसे मुखिया का एकल पद होता है उसका भी उन्होंने आरक्षण कर दिया प्रमुख का एकल पद होता है उसका भी उन्होंने आरक्षण करवा दिया जिला परिषद के चेयरमैन का एकल पद होता है एकल पद का आरक्षण कहीं से उचित नहीं है लेकिन हुआ तो उसको तो मानना ही पड़ेगा जब कानून बन जाएगा तो मानना ही पड़ेगा तो अलग अलग अपने राजनेताओं का अलग अलग अपना सोच है तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र में सारे राजनेता चाहे जिस दल के हों जिस राजनीतिक दल से बिलोंग करते हों उनका पहला मकसद है कि हम जनता को किसी तरह से वोट के लिए अपने तरफ मुखातिब करें मतलब आरजेडी के ऊपर ये जो आरोप लगता है एम समीकरण मतलब यादव और मुस्लिम का ये पार्टी है तो क्या वाकई में या राजद जो है वो यादव और मुसलमानों का पार्टी है नहीं ऐसा कुछ नहीं हाँ मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है आप कब से हैं आरजेडी आरोप मैं 2005 से ही 2005 से हैं जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तब से आप आरजेडी के साथ हैं आरजेडी का झंडा ढो रहे हैं 2022 आ गया दो तीन इलेक्शन भी बीत गया लेकिन आरजेडी ने आपके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया नहीं, क्यों नहीं, आता पता नहीं अभी कारण तो मैं नहीं समझता हूँ जो हो कारण हमारे भी मैंने पार्टी में कुछ लोग हैं जो हमसे द्वेष रखते होंगे अंदर अंदर इसलिए हमको लोग आगे नहीं आने दे, देना चाहते हैं जगान से जानते हैं अच्छा जगदानंद सिंह कभी मिले कि नहीं कभी मिले तो क्या मतलब उन्होंने उनसे आपने कभी कहा कि नहीं कि मैं जगदा बाबू से दो बार मिला था उनके आवास पर भी मिला था और ऑफिस में भी मिला था तो वो कहे कि प्रभुनाथ बाबू महाराजगंज के नेता हैं उस क्षेत्र के अंदर ही एकमा आता है तो इसको वही देखेंगे उसमें हम क्या कर सकते हैं मतलब प्रभुनाथ सिंह फाइनल करेंगे तभी आर जे डीजन डिसीजन हाँ, लगी हाँ, मैंने उनका कहना था प्रदेश अध्यक्ष काना था अच्छा, 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 तो मैं प्रभुनाथ बाबू से तो उस पीरियड में नहीं मिल सका जब टिकट का क्रम चल रहा था उसके पहले हम जेल में जाकर उनसे मिले थे लेकिन उनके बेटे जो रणधीर कुमार सिंह जो हैं एम हुआ एक बार हुए थे वहाँ से छपरा से उनसे मेरी बात हुई थी तो वो बोले कि नहीं नहीं हम लोग आपके पक्ष में हैं और हम लालू जी से भी जाएंगे मिलने के लिए तो लालू जी से भी मिलने गए तो क्या हुआ नहीं हुआ नहीं। मुझे मालूम नहीं चला लेकिन उनके मैंने जो सोदर भाई हैं केदार बाबू ने कहा कि नहीं वहाँ वो अपने वो कलकत्ता वाले को फाइनल कर दिए हैं टिकट तो कलकत्ता वाले को टिकट मिला वो हम लोग मदद कलकत्ता वाले काम कर रहे हैं काम नहीं कलकत्ता वाले बिजनेसमैन हैं उद्योगपति हैं उनका ज्यादा समय कलकत्ता में बीतता है क्षेत्र में आते हैं कि नहीं क्षेत्र के लोग उनसे मने... मतलब क्षेत्र आप क्षेत्र की जनता भी हैं। एक बहुत जनता बहुत। की हैसियत से बताइए है कि आपके विधायक काम करते हैं मेरे जैसे लोगों से आज तक उनकी एक बार टेलीफोन पर भी बात नहीं हुई चुनाव के बाद मतलब कार्यकर्ता से भी नहीं बात नहीं, नहीं मिलते हैं तो क्षेत्र में फुर्सत ही नहीं है तो ऐसे में और RGD, काम करने का उनके पास कोई वो, वो अनुभव एक्सपीरियंस भी नहीं है ब्लू प्रिंट भी नहीं है। हम लोग जैसे मैप भी उनके पास नहीं, नहीं, है, नहीं है ना नहीं है। कैसे काम करना है नहीं। क्या, 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 क्या करना है ऐसे में अगर ऐसे उम्मीदवारों को आरजेडी जब टिकट देती है विधायक बनाती है और ये विधायक चुन के जब क्षेत्र में जाते हैं तो इसे तो आर को नुकसान होगा ना पार्टी को नुकसान होगा आने वाला दिन अच्छा नहीं रहेगा उस उम्मीदवार के लिए जो लोग जनता से कट करके रहेंगे जनता का बात नहीं सुनेंगे सदन के अंदर जनता के आवाज को नहीं उठाएंगे तो कट जाएंगे जनता से जब जो जनता से कट जाएगा वो विधानसभा तो सत्र विधानसभा सत्र चल रहा है एक दिन भी एक, दिन का एक भी बयान नहीं आया मतलब क्यों ऐसा क्या लगता है क्षेत्र में एक भी समस्या नहीं उनको है को मालूम नहीं है ना राजनीति का तो वो राजनीतिज्ञ है नहीं वो तो है मान लें कि उद्योगपति अपने प्रभाव से आप आप विधायक रहते तो क्षेत्र की जनता बिल्कुल बिल्कुल सड़क से लेकर के सदन तक मैं जनता के सवाल को उठाता और लोगों को पता चलता है मैंने किसी जनप्रतिनिधि को चुन करके पटना भेजा है यानी कि अगर सच्चे और अच्छे विधायक रहते हैं क्षेत्र में तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना पक्का है बिल्कुल 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 हाँ। अगर थोड़ा सा वो लोग अपने मैंने कार्यशैली पर कार्यशैली पर अगर मैंने मैं पुनर्विचार करें तो आने वाला दिन उनके लिए अच्छा रहेगा अच्छा रहेगा बिल्कुल दो हजार चौबीस अगर इसी तरह से मैंने चलता रहा तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऊंचाई कोई छुपाए चौबीस अच्छा रहेगा कि पच्चीस में चौबीस तो अच्छा रहेगा लेकिन पच्चीस अच्छा उसके हाथ में देगा नहीं देगा तो हम नहीं कर सकते हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे मांगेंगे भी दीजिए हमको लड़ाई चलिए तो विधानसभा तो क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जहां से राजद के विधायक चुने गए हैं और ऐसे विधायक जो इनके हिसाब से विधायक नहीं है वो बिजनेसमैन है कोलकाता में उनका बिजनेस है वहाँ वो बिजनेस करते हैं और कभी कभी क्षेत्र में आते हैं क्षेत्र में तो आते नहीं हैं घर आते होंगे लेकिन एकमा विधानसभा में ही विष्णुपुरा कला गांव पड़ता है और यहीं से देवकुमार सिंह बिलोंग करते हैं आरजेडी के पुराने नेता हैं कदावर नेता हैं 2005 से आरजेडी के साथ हैं लेकिन आरजेडी ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जहां एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम अपनी पार्टी को का विस्तार कर रहे हैं स्वर्णों की पार्टी बना रहे हैं एम समीकरण से हटकर काम कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जब स्वर्ण उनसे टिकट मांगने जाते हैं तो उनको साइड कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं यह भी कारण है कि तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि देव कुमार सिंह को कब तक नजरअंदाज करती है राजत ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे द दे इंडिया टॉप